नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। किसानों का विरोध लगातार बढ़ते ही जा रहा है। केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली का घेराव करने जा रहा है किसान। दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस बीच किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच दिल्ली बहादुरगढ़ राजमार्ग के पास टिकरी सीमा पर झड़प हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया है। इससे पहले हरियाणा दिल्ली सीमा पर पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। यहां भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके अलावा रोहतक झज्जर सीमा, दिल्ली गुरुग्राम सीमा और दिल्ली जम्मू मार्ग पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसानों के मार्च का असर दिल्ली मेट्रो पर भी पड़ने लगा है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का असर दिल्ली मेट्रो पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों के मार्च के कारण लगातार आज उसका दूसरा दिन है और दिन भर मेट्रो एनसीआर के शहरों से दिल्ली में नहीं जाएगी। हालांकि दिल्ली से एनसीआर की ओर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह किया जा रहा है। बता दें कि गुरुवार को दोपहर 2 बजे के बाद सिर्फ दिल्ली से एनसीआर जाने वाली मेट्रो चलाई गई थी, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन सब के बीच में एनसीआर के शहरों से दिल्ली की ओर संचालन शाम 5 बजे ही सामान्य हो पाया और ऐसे में आज भी मेट्रो का जो परिचालन है वो सामान्य नहीं हो पाया था। वहीं आज COVID-19 के चलते सुरक्षा के लिहाज से एनसीआर के सभी शहरों से दिल्ली के लिए मेट्रो सेवा बाधित रहेगी। डीएमआरसी ने ट्वीट करके सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस आदेश को लागू कर दिया है। और भारतीय नौसेना का प्रशिक्षु MiG-29 के विमान बृहस्पतिवार शाम करीब 5 बजे एक अभियान के दौरान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक पायलट को बचा लिया गया है और अन्य एक तलाश भी जारी है। नौसेना के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि हादसा कल शाम 5 बजे अरब सागर में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि नौसेना ने लापता पायलट की तलाश के लिए निगरानी विमान और नौकाएं तैनात की है। उन्होंने बताया कि घटना की जाँच के लिए उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त MiG-29 के विमान एक पायलट मिला तो दूसरे की तलाश फिलहाल जारी है। और कोविड अस्पताल में आग लगने की भीषण खबर सामने आई है। हादसे में 5 मरीजों की मौत हो गई जबकि कई लोग झुलस गए हैं। दरअसल आज सुबह गुजरात में एक निजी कोविड अस्पताल में आग लग गई। बता दें कि यह आग राजकोट के मावड़ी इलाके में स्थित शिवानंद अस्पताल के ICU में लगी थी। कोविड अस्पताल होने की वजह से अस्पताल के ICU में 11 मरीज भर्ती थे, जिसमें से 5 की जलकर मौत हो गई। इस हादसे में अन्य कई मरीज झुलस गए जिन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक आग की शुरुआत अस्पताल के ICU से हुई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। और अब बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनावों के परिणाम की। चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पार्टी की पार्टी अपनी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए प्रबंध है। यही वजह है कि ओवैसी ने अपनी पार्टी को देश के दूसरे राज्यों में विस्तार और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अपने ही गृह राज्य तेलंगाना और शहर हैदराबाद के सीमित दायरे में चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी की AIMIM ने हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में आधी से भी कम सीटों पर ही अपने ही उम्मीदवार उतारे हैं। ग्रेटर हैदराबाद पर नगर निगम की कुल 150 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी महज 51 नगर निगम पार्षद की सीटों पर ही किस्मत आजमा रही है। AIMIM के ज्यादातर उम्मीदवार पुराने हैदराबाद इलाके की पार्षद सीटों पर ही चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह ओवैसी ने हैदराबाद के सिर्फ 33% नगर निगम की सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस ने सभी 150 निगम पार्षद सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। KCR और बीजेपी के बीच सीटों पर चुनाव लड़ने के चलते असदुद्दीन ओवैसी को अपने मजबूत गढ़ पुराने हैदराबाद के इलाके में इस बार कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। KCR और कांग्रेस ने पुराने हैदराबाद इलाके की कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो बीजेपी ने सभी सीटों पर हिंदू कैंडिडेट उतारकर जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। यही वजह है कि ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। यह नगर निगम 4 जिलों में है, जिसमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल,
मलकजगिरी और संगारेड्डी आते हैं। इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल है और तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती हैं। लोकसभा सीट में से एक पर अजुद्दीन ओवैसी खुद चौथी बार सांसद हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी के साथ विधायक भी इसी इलाके से चुनकर तेलंगाना विधानसभा में पहुंचे हैं। इसके बावजूद ओवैसी ने हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सिर्फ 51 प्रत्याशी ही उतारे हैं, जिसे लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ठाकरे सरकार की पहली सालगिरह की पूर्व संध्या के मौके पर शिवसेना के मुखपत्र सामना के इंटरव्यू में ठाकरे ने कई अहम मुद्दों पर राय दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दों के बारे में बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नपुंसक हूं। परिवार पर हमला करना ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर वे हमारे परिवारों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके भी परिवार और बच्चे हैं। सीएम ठाकरे ने कहा कि वे कोई धुले हुए चावल नहीं हैं। अगर हमने तय कर लिया कि हम उनकी खिचड़ी भी बनाना जानते हैं, ज्यादा हावी होंगे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। जब उनसे लव जिहाद के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो सीएम ठाकरे ने कहा, आप कहेंगे तो हम इस पर कानून बना देंगे, लेकिन पहले बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गौवध के खिलाफ कानून कब आएगा। केंद्र सरकार ने अब कश्मीर से पाबंदियां हटा ली है, तो क्या आप गोवा या पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा कानून लाएंगे जहां आपकी सरकार है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी उन्हीं राज्यों में ऐसे मुद्दों को उठाती है जहां चुनाव होने होते हैं, और अगर लोग वोट देते हैं तो वे कानून बना देते हैं। हिंदुत्व को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल ना करें, हम कभी ऐसे सहूलियत के हिंदुत्व में शामिल नहीं रहे, ऐसा उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है। और बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था की। इस वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही यानी कि सितंबर में खत्म तिमाही के लिए सकल अनुपात यानी जीडीपी के आंकड़े सरकार आज यानी शुक्रवार को जारी कर सकती है। ज्यादातर एजेंसियों ने जीडीपी में से 5-10% गिरावट का अनुमान लगाया है। अगर ऐसा हुआ तो तकनीकी रूप से यह मान लिया जाएगा कि भारत में मंदी आ चुकी है। जीडीपी में 5-10% की गिरावट भी राहत की बात होगी, क्योंकि इसकी पिछली तिमाही यानी कि अगर हम जून की तिमाही की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 24% की भारी गिरावट आ चुकी है। त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग और लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार की वजह से जीडीपी की गिरावट का आंकड़ा घट सकता है। हालांकि इसके बावजूद यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बदतर आंकड़ा होगा। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों और रेटिंग एजेंसियों ने सितंबर तिमाही में जीडीपी 5-10% तक नेगेटिव रहने यानी कि इसमें गिरावट का अनुमान लगाया है, यानी तकनीकी रूप से भारत में मंदी आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के इकोरेप रिपोर्ट के मुताबिक देश में पहली बार भारत तकनीकी रूप से मंदी में प्रवेश कर चुका है। रिजर्व बैंक ने सितंबर तिमाही में जीडीपी में 8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है, इस बात की उम्मीद की जा रही है। और ऐसे में अगली तिमाहियों यानी कि तीसरी और चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था में मामूली सुधार हो सकता है। केयर रेटिंग्स ने सितंबर तिमाही में जीडीपी में 9.9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक के अधिकारियों की एक रिसर्च के मुताबिक जुलाई से सितंबर की तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ -8.6% है, यानी जीडीपी में 8.6% की गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था में मान्य परिभाषा के मुताबिक अगर किसी देश की जीडीपी लगातार 2 तिमाही नेगेटिव में रहती है यानी ग्रोथ की बजाय उसमें गिरावट आती है तो इसे मंदी की हालत मान लिया जाता है। इस हिसाब से अगर दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वास्तव में नेगेटिव रही तो ये कहा जा सकता है कि देश में मंदी आ चुकी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तेल के दामों की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में 22-26 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 17-19 पैसे की तक बढ़ाई है। और ऐसे में बता दें कि शुक्रवार को 50 दिन के बाद पेट्रोल और 41 दिन बाद डीजल के दामों में बदलाव हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में डीजल 71.86 रुपए और पेट्रोल 81.89 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं कोलकाता में डीजल 75.43 रुपए और पेट्रोल 83.44 रुपए, मुंबई में डीजल 77.30 रुपए और पेट्रोल के दाम 84.91 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। जबकि अगर हम बात करें चेन्नई की तो वहां डीजल 77.30 रुपए और पेट्रोल 84.91 रुपए प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। बता दें कि विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत के आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव किया जाता है। और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में लगातार सियासी खेल जो है वो जारी है। लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है, जबकि रांची हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू यादव इन दिनों जेल में।
झारखंड के रांची हाई कोर्ट में आज सुनवाई करेगी और यादव ने चारा घोटाला मामले में दुमका कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के केस में जमानत याचिका दायर की है। वह पिछले 3 साल से जेल में बंद है। आरजेडी प्रमुख अलसाद यादव का फिलहाल रांची रिम्स अस्पताल में इलाज भी चल रहा है और वो चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में आरोपी है। इनमें से देश में 3 मामलों में लालू को कोर्ट की तरफ से जमानत दी जा चुकी है। अगर आज के मामले में लालू को जमानत मिल जाती है तो उनके लिए जेल से बाहर आने का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। वहीं 24 मार्च 2018 को लालू यादव को दुमका कोषागार गबन मामले में सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। चारा घोटाला मामलों में लालू प्रसाद यादव को 7-7 साल की कुल 14 साल की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि लालू पर चारा घोटाले के 5 मामले चल रहे हैं। इन पांचों मामलों में से 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट की ओर से सजा सुनाई चुकी है। वहीं पांचवा मामला दुमका कोषागार हुआ है, जिस पर रांची हाई कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। जिन 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जा चुकी है, उनमें से 3 मामलों में उन्हें बेल भी मिल चुकी है। और अब बात करेंगे लव जिहाद की। लव जिहाद को लेकर सियासत भी बढ़ती जा रही है। लव जिहाद का पास हो चुका है और झूठ बोलकर शादी करने पर जेल होने का मामला भी जेल होने का जो नियम है वो बना दिया गया है। बात करेंगे यूपी सरकार की। यूपी सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पास कर दिया है। इस नए कानून के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक झूठ बोलकर लालच देकर या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से विवाह के लिए धर्म परिवर्तन और गैर जमानती अपराध होगा। ऐसे में अब लव जिहाद करने वालों से योगी सरकार पूरी सख्ती से निपटेगी। महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। दरअसल नए कानून के मुताबिक एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को वेद प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से होगा और संबंधित लोगों को यह बताना भी होगा कि उन पर कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है। योगी सरकार के इस ऐतिहासिक कानून के लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की के धर्म परिवर्तन से एकमात्र प्रयोजन के लिए किए गए विवाह पर ऐसा विवाह शून्य की श्रेणी में लाया जा सकेगा। जवाब डालकर या झूठ बोलकर अथवा किसी अन्य कपटपूर्ण ढंग से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया तो यह अपराध के रूप में माना जाएगा और इस गैर जमानती प्रकृति के अपराध के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दर्ज चलेगा। यदि दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगर मामला अवैध महिला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में हुआ तो दोषी को 3 से 10 साल तक की कारावास और कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही योगी कैबिनेट से पास इस महत्वपूर्ण अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के सभी पहलुओं पर प्रावधान तय किए गए हैं। अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जबकि इस अपराध में कम से कम जुर्माना 10,000 रुपए तय किया गया है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। नए कानून के मुताबिक सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है और कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। इसी के साथ में अनिल विज ने भी एक बयान दिया है, इसको लेकर योगी सरकार की तारीफ की और ये कहा है कि हरियाणा में भी जल्द आईएएस अधिकारियों की जो टीम है वो कानून बनाएगी और उसको लागू किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली दंगे की। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी होम टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी लॉर्ड ऑर्डर नवदीप विर्क और एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा को रखा गया है। कहा गया है कि वो सभी राज्यों में जहां बन रहे हैं, जहां बन चुके हैं ला जिहाद पर कानून, उनका अध्ययन करें और शीघ्र एक मजबूत सख्त लव जिहाद पर कानून बनाए ताकि कोई भी दोबारा हरियाणा में धर्म परिवर्तन के नाम पर किसी को प्यार के जाल में ना फंसा सके। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और दिल्ली दंगों के आरोपियों की तस्वीर जारी कर दी गई है, क्योंकि साल 2020 की शुरुआत में पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के जख्मों का भला कोई भी नहीं भूल सकता है, क्योंकि दंगों के बाद से पुलिस लगातार मामले में आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की तस्वीर भी जारी कर दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर 20 आरोपियों की तस्वीर जारी कर दी गई है। इस पोस्टर में इन आरोपियों की तस्वीरें हैं, उन्हें राजधानी की सार्वजनिक जगहों पर लगाया जाएगा। पोस्टर में दिख रहे आरोपियों पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आगजनी, फायरिंग और पत्थरबाजी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आरोप है। पुलिस ने वादा किया है कि जो कोई भी तस्वीरों में दिख रहे आरोपियों से जुड़ी कोई सूचना देगा उसे गिरफ्तारी के बाद इनाम भी दिया जाएगा। बात करेंगे भारत में कोरोना वैक्सीन के आने की, क्योंकि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के लिए सिरदर्द जो है बढ़ते जा रहा है और सबके बीच में कोरोना वैक्सीन की सुगुहाट भी तेज हो गई है। कई कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। कंपनियां की वैक्सीन बनाने की तैयारी का जायजा लेने के लिए कल पीएम पुणे अहमदाबाद और हैदराबाद जा सकते हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। पीएम कल पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद में भारत बायोटेक के ऑफिस भी जा सकते हैं। बता दें कि भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम से कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बना रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी कल अहमदाबाद में जायडस कैडिला फैसिलिटी द्वारा बनाई गई जायकोव डी वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल की तैयारियों का जायजा भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री तीनों वैक्सीन कंपनियों से तैयारियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वैक्सीन वितरण को लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। और इसी के साथ जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, उन सबके बीच में सरकार के द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए एबीसी टाइम न्यूज़।